इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, गैंगस्टर छोटा राजन को बरी कर दिया गया है। अंडरवर्ल्ड दाऊद के साथी छोटा राजन को मुंबई की अदालत ने बरी कर दिया है। मुंबई की एक कोर्ट ने ट्रेड यूनियन नेता दत्ता सामंत के हत्या मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को बरी करने के पीछे सबूतों की कमी का हवाला दिया है। मुंबई में स्थित सीबीआई कोर्ट ने श्रमिक नेता दत्ता सामंत की हत्या मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को रिहा कर दिया। विशेष सीबीआई जस्टिस एएम पाटिल ने प्रमाणिक सबूत की कमी के कारण छोटा राजन को सभी आरोपों से बरी किया है। अभियोग पक्ष के मुताबिक 16 जनवरी 1997 को डॉक्टर सामंत पवाई से घाट कोपर के पंतर नगर जा रहे थे और इस दौरान पद्मावती रोड पर स्थित नरेश जनरल स्टोर के पास उन पर जानलेवा हमला हुआ और इसी कारण सामंत की जान चली गई। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये साबित करने के लिए कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और इसलिए राजन को रिहा कर दिया गया है। आपको बताएंगे, छोटा राजन को अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किया था और इसके बाद सीबीआई ने राजन के खिलाफ दर्ज सारे केस अपने हाथ में ले लिए थे और फिर सीबीआई ने सामंत मर्डर केस में राजन पर मुकदमा चलाया। और अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि मुंबई की कोर्ट ने श्रमिक नेता दत्ता सामंत की हत्या मामले में छोटा राजन, गैंगस्टर छोटा राजन दाऊद के साथी छोटा राजन को सबूतों की कमी का हवाला देकर बरी कर दिया है। 26 साल बाद ये बड़ा फैसला सामने आया है जहां छोटा राजन को बरी कर दिया।